हेलो हाय दोस्तों, मैं आपका भाई रतन। दोस्तों आज हम लोग पार्ट टू में आ गए हैं। देख सकते हैं इसका पार्ट वन तो बन चुका है, आप लोग जो देख चुके हैं तो ये पार्ट टू है। तो चलिए हम लोग इसमें पूरा मैं इसको डिटेल बताने वाला हूँ, कौन सा वायर कहाँ कहाँ जुटेगा पूरा अलग करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल में नए हो तो मेरे चैनल की वीडियो जाके देख सकते हैं, अच्छा लगता है तभी सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या क्या सामान लगेगा मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अगर बाहरी सामान मैं बताता हूँ तो देख चुके हैं। अब देखिए एक डब्बा ले लेना, जो डिस्टेम्पर का डब्बा जो मिल जाता है आप लोगों को मार्केट में, देख लीजिए। ये आपको यही डब्बा लेना है, जरूरी नहीं है आप लोग जैसा भी डब्बा लें। जो आपका ये 3 इंच का ना, जो आप लोग देख सकते हैं मैं इसको लगा लिया था, 3 इंच के स्पीकर इसमें फिट बैठ जाए। कोई सा भी डब्बा रहे, आपको छोटा स्पीकर लगाना है तो छोटा लगा लीजिए, बड़ा 8 इंची तक का स्पीकर इसमें चला सकते हैं आप। 8 इंची का लगाना चाहे तो 8 इंची का लगा लीजिए, आपके ऊपर है कैसे लगाना है, ठीक है। ये हो गया, तो ये डब्बा हो गया, डब्बा ले लिए। उसके बाद आप लोगों को बैटरी, 2 बैटरी ऐसा लेना है आपको, जितना टाइम तक चलाना उतना टाइम के लिए। हम लोग को इसमें 4 वोल्ट से आप 12 वोल्ट तक की बैटरी इसमें चला सकते हैं। तो हम लोग 8 वोल्ट में चलाएंगे अभी, 4 वोल्ट में भी चला के दिखा दूंगा मैं। तो ऐसा ऐसा बैटरी ना, ये बड़ा बैटरी ले लेना है, खराब हो गया, बड़ा बैटरी मिल जाएगा। इसको सीरीज में कर लेना, 2 बैटरी को सीरीज में कर लेंगे तो ये 8 वोल्ट बन जाएगा और ये इस पर बहुत देर तक, जैसे 4-5 घंटा ये चला लेगा आपका। इसमें 2-1 घंटा चलता है। ये हो गया एक बैटरी, 2 बैटरी हो गए और एक कनेक्टर जिससे हम लोग चार्जिंग कर सके उस टब, मतलब अपने एम्पलीफायर को, और एक डायोड रहेगा, कोई सा भी 4007 लगा सकते हैं आप। और एक ट्रांजिस्टर आप देख सकते हैं, 2 ट्रांजिस्टर, एक 882 है और 718 है, देख सकते हैं ट्रांजिस्टर, 2 ट्रांजिस्टर। एक कैपेसिटर है 50 वोल्ट 10 वेप का और एक 270 के का रेजिस्टेंस है। यहाँ 220 भी लगा सकते हैं, 270 भी लगा सकते हैं आप पास जो है। और एक स्पीकर यहाँ जुड़ा है और एक बैटरी का कनेक्शन, मैं कनेक्शन इसको आपको शुरू समझा देता हूँ। ये देखिए सीधा ये रहेगा, सीधा रहा तो आप लोग एक कनेक्शन इससे साथ जुड़ेगा, आप क्लियर तो कनेक्शन देख सकते हैं। मैं इसमें डायरेक्ट प्रैक्टिकल में आपको दिखाता हूँ तो आप लोग ज्यादा अच्छा समझ जाएंगे। तो मैं कुछ जोड़ के रखा था तो आप लोग देख लीजिए, मैं कुछ हटा देता हूँ आगे इसको, तो क्लियर आप लोगों को समझ आएगा। ये हो गया, ये देखिए ये आ गया अपना ट्रांजिस्टर बड़ा वाला। दोस्तों इतना याद रखना, ये ट्रांजिस्टर को हम लोग को हीट सिंक में रखना, कोई से भी हीट सिंक रखे, ये थोड़ा ज्यादा गर्म होगा इसके कारण मैं इसको हीट सिंक में रखा हूँ। ये हीट सिंक में हो गया, ठीक है, एक हो गया। और मैं इसको कनेक्शन थोड़ा सा ज्यादा कर चुका था ये वाला को, क्योंकि जोड़ने उड़ने में टाइम लगता है। देखिए सेम टू सेम मैं जोड़ा हूँ इसको, आप लोग क्लियर देख लीजिए रेजिस्टेंस से। देखिए ऐसा करके यहाँ से 2 यहाँ रेजिस्टेंस को जोड़ा हूँ और कैपेसिटर को माइनस साइड इधर है, प्लस साइड को नहीं सॉरी प्लस साइड को जोड़ा हूँ, माइनस साइड को निकाला हूँ यहाँ से। ये आपका ऑक्स हो गया, देखिए ऑडियो इन हुआ तो ऑडियो इन, एक ऑडियो इन यहाँ से होगा और एक ऑडियो जो प्लस है तो ऑडियो इन हो गया कैपेसिटर से, और एक माइनस बचा जो माइनस की बैटरी में ही लगेगा। ये हो गया यहाँ से तो, और ये देखिए इसको उल्टा लगाया हूं मैं, ये लास्ट वाला टांग डायरेक्ट इस वाला टांग में जाएगा। और इसका आपको एमिटर कलेक्टर नहीं पता होगा तो मैं पीछे बना चुका हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिए, 718 का बेस है ये पहला वाला, दूसरा कलेक्टर, तीसरा एमिटर है और जस्ट उल्टा है इसका, ठीक है। एमिटर पहला, दूसरा कलेक्टर लास्ट में बेस है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। और मैं इधर आ जाता हूँ, अब इसका पहला क्या था, इसका बेस, तो इसका बेस है ये और इसका ई वाला बेस है, तो सॉरी इसका ये लास्ट वाला पहला वाला क्या है, एमिटर है इसका, तो एमिटर और इसका बेस को जोड़ना है अपने साथ। तो इसको हम लोग ऐसे जोड़े तो नहीं सकते, जस्ट मैं इसको उल्टा कर लेता हूँ तो सेम यहीं से गया है। हम लोग ये कनेक्शन को तो कर चुके हैं, आप लोग देख लीजिए ये वाला कनेक्शन हो गया अपना। ये देखिए वाला कनेक्शन सेम टू सेम किया हूँ, देख लीजिए कुछ भी नहीं किया हूँ मैं, रेजिस्टेंस को भी ऐसे जोड़ा हूँ, ये प्लस वायर है और यहीं से एक स्पीकर के लिए भी वायर निकलेगा। जैसे देखिए यहाँ से निकाला हूँ, सेम यही प्लस ही स्पीकर का वायर रहेगा आपका, ये प्लस ही स्पीकर का वायर रहेगा, देखिए क्या से। और एक 20 से जो आपका 718 है वहां से एक ट्रांजिस्टर के लिए आपका एक स्पीकर के लिए वायर रहेगा। तो ये हो गया, तो मैं जस्ट इसको उल्टा कर लेता हूँ, उल्टा करके जोड़ता हूँ तो ज्यादा मेरे को मुसीबत ना हो, मतलब दिक्कत ना हो। आप लोग देख ले दोस्तों जितना आप लोग आसानी हो, मैं इतना बता रहा हूँ इतना, मैं आप लोग को नहीं डाउट होना चाहिए बोल रहा हूँ। देखिये ये इसमें मैं इसको जोड़ लेता हूँ, इसको कुछ हीट सिंक देने की जरूरत नहीं दोस्तों, ये गर्म नहीं होता, यही गर्म होगा इसको जितना। और नीचे मैं देखना व्हाइट पेस्ट मार दिया हूँ और ये खराब नहीं होता, जल्दी से व्हाइट पेस्ट मार दिए और हीट सिंक मार दिए।
तो एक वायर बच्चा है, माइनस ऑडियो इन का, ऑडियो इन है आपका, ऑडियो इन का बच्चा, तो ऑडियो इन क्या करेंगे, देखिए ऑडियो इन का एक ठो दे दिए तो वायर या कैपेसिटर पास, एक ठो और बच रहा तो एक ठो बैटरी के माइनस से लेंगे, तो बैटरी को माइनस वाला ये देखिए माइनस लिख दी हूँ, बी मतलब लास्ट बी, तो उसी के साथ इसको जोड़ लेना अपने को। जुड़नी बड़ा सोल्डिंग आयरन गर्म करना था मेरे को, छोटा सोल्डिंग आयरन जल्दी गर्म हो जाता है इसीलिए छोटा सा यूज कर रहा हूँ। ये हो गया, ये अपना जुड़ गया, ऑडियो इन का हम लोग का झंझट ये खत्म हो गया, ऑडियो इन हो गया। अब बच गया ये देखिए एक प्लस, तो हम लोग निकाल लिए थे प्लस, देखिए बैटरी का ये प्लस हो गया बैटरी का, ये माइनस हो गया बैटरी का, दो ठो निकाल लिए हम लोग, यहाँ से एक और यहाँ से एक निकल गया, ये बीच से है, ये बीच से भी है, ये निकल गया। अब हो गया स्पीकर का वायर, तो स्पीकर का वायर आप लोग थोड़ा क्लियर से देख लीजिए, यहाँ पर एक स्पीकर का वायर हम लोग लिए हैं यहाँ से ट्रांजिस्टर के बीच से, और दूसरा स्पीकर डायरेक्ट प्लस से, तो आप लोग तो एक बार जोड़ लेता हूँ मैं इसको, तो एक ठो स्पीकर का वायर यहाँ से हो गया, अरे यार चूट क्यों नहीं रहा, जुड़ गया, और एक वायर आपका वाला ट्रांजिस्टर के बीच से, दोनों के ट्रांजिस्टर के बीच से आप लोग को स्पीकर का वायर निकालना, कॉमन सी बात समझने, बीच के यहाँ से और इसके बीच से, तो इसके बीच से भी मैं जोड़ लेता हूँ, मैं रेजिस्टेंस के आगे इधर से जोड़ लेता हूँ तो मेरा ज्यादा अच्छा बन रहा है। ये जुड़ गया, आप लोग थोड़ा क्लीन देख लीजिए, ये हो गया दोस्तों, देख लीजिए जोड़ लिया मैं, तो अब मैं इसको सिंपल आगे मैं आप लोगों को, कहाँ गया मेरा बैट, शुरू में इसमें चला के दिखा देता हूँ आप लोगों को सिंपल मोबाइल बैटरी से, मोबाइल बैटरी से मैं आगे गाना चेंज कर लेता हूँ, नितिन फिर तो जान रहे हो कॉपीराइट अब इतना चल रहा है ना, कुछ भी कॉपीराइट दे देते हैं, तो मेरा वही वाला गाना जानते हो यार, यारा तेरी यारी को, उसमें कॉपीराइट जल्दी से नहीं आता क्योंकि थोड़ा गाना अच्छा लगता है मेरे को भी, और कॉपीराइट भी नहीं आता, मैं बहुत सारे यूज कर लिया हूँ, मैं इस गाना को स्टार्ट कर लेता हूँ। अब मैं बैटरी का वायर लगा लेता हूँ आपके लिए, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, देख लीजिए अब गाना स्टार्ट हो जाएगा। अरे लगा के बैठा गया फलक पे मुझे खाक से। हो गया दोस्तों, इसमें देखिए मैं अभी तक एक बैटरी से चला, अब दूसरा बैटरी में चलाऊंगा ना तो आवाज थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो माइनस के साथ प्लस हो गया, प्लस के साथ ये माइनस हो गया, इसको गाना बंद हो गया क्या भाई, हाँ चल रहा है, तो मैं थोड़ा गलत जोड़ दिया क्या, इसका माइनस इसके प्लस में गया और इसका माइनस इसके माइनस से निकला, क्या दोस्तों आवाज थोड़ा निकलता है, जो क्लियरिटी रहता है ना, जो इतना वोल्ट देंगे इसमें क्लियरिटी बढ़ेगा, इसमें मैं शुरू से बता रहा हूँ आप लोग 4 से 12 वोल्ट के दे सकते हैं, 4 वोल्ट 8 वोल्ट 12 वोल्ट 9 वोल्ट जितना वोल्ट देंगे सह जाएगा, और 8 इंच का स्पीकर भी इसमें चल जाएगा, तो इतना हो गया। अब हम लोग को बात हुई ये डब्बा में सेट होने के, तो मैं वीडियो तो बना चुका हूँ सेट कैसे करना है, आप लोग तो नहीं होगा तो पार्ट 1 में देख लीजिए इसको सेट कैसे करते हैं, और रुके कनेक्शन और बजिए, इसका कनेक्शन कैसे करना है दोस्तों, ये है आपका बैटरी का, तो देखिए डायोड को मैं किस साइड दिया हूँ, जो प्लस है उस तरह से माइनस दिया हूँ, डायोड को लगाया इस कारण कि रिटर्निंग करंट इधर ना लगा, इधर मत भेज, जब एडाप्टर या किसी आप लोग इसको एडाप्टर 12 वोल्ट के कोई भी चीज हो 12 वोल्ट से इसको चार्ज कर सकते हैं, 1 एम्पियर से 2 एम्पियर तक रहे उसको हम लोग इससे चार्जिंग कर सकते हैं, एडाप्टर 2 एम्पियर का 12 वोल्ट, तो इसको ऐसा रहेगा डायोड, ये डायरेक्टली बैटरी के प्लस में जाएगा, ये बैटरी के प्लस में गया और ये माइनस हुआ डायरेक्ट बैटरी के माइनस में जाएगा, जो बैटरी का ये माइनस है डायरेक्ट ये माइनस में रहेगा, और स्विच को इसके बीच में लगाएंगे काट के, ये मतलब ये रेड हो गया ना, रेड या माइनस आपको जहां भी लगे उसको काटेंगे बीच में, इसके बीच में ऑडियो के बीच में काटेंगे ना, ये बैटरी और चार्जर के बीच में नहीं काटना है, खाली इसके बीच में काटना है, उसको जोड़ लेंगे। तो बस दोस्तों इतना आसान वीडियो है, इतने में कुछ आपको दिक्कत लगता है तो भी मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसमें मेरे को नहीं लगता कि और दिक्कत होगा, बहुत इजीली है और बहुत अच्छा है दोस्तों, ये लाइट वेट है, आप लोग जिस डिब्बा में चाहे इस डिब्बा में बना सकते हैं इसको, और ये 8 इंची के स्पीकर में भी चल जाएगा, मैं एक बार चला के जरूर दिखाऊंगा आप लोगों को, लेकिन नीचे पड़ा ना डब्बा निकालने में मेरे को थोड़ी दिक्कत जाएगा, और फिलहाल इसमें आप लोग डबल कर लेना तो इसमें आप लोगों को ज्यादा आवाज आएगा और क्लियरिटी आवाज बन जाएगा, तो इसमें और मेरे को नहीं लगता कि कुछ और थोड़ा दिक्कत होगा,
तो दिक्कत लगता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो एक पार्ट टू कैसा लगा और वो भी जरूर बता देना। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और इतनी कीमती टाइम निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ प्यार भरी कमेंट जरूर कर देना, लिख जरूर देना कैसा लगा होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।